आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाली आलू की रेसिपी, जीरा आलू या आलू की सूखी सब्जी, जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट जब भी आपको समझ नहीं आए कि आज क्या बनाएं, तो आलू एक ऐसी सब्जी है जो हमेशा हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो चलिए जीरा आलू बनाते हैं। इसके लिए कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालते हैं। तेल को धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अब इसमें बॉयल किए हुए आलू को काट कर डालते हैं। आलू बॉयल है तो आप इसके बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं। इसे हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर नहीं आ जाए। ये बिना ग्रेवी वाली सब्जी है, तो इसे हम सफ़र में या फिर लंच बॉक्स में आसानी से ले जा सकते हैं। आलू अच्छे से जब फ्राई हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल और डालेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। डेढ़ चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। जीरा आलू बना रहे हैं तो जीरा की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। दो तेज पत्ता डालते हैं, थोड़ा हींग भी डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च डाल लेते हैं लंबा काट कर। अब इसमें लंबे कटे हुए 2 प्याज को डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। इसे गुलाबी होने तक भून लेते हैं। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनेंगे। अब इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। हल्दी, काश्मीरी मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सभी मसालों को भून लेते हैं। 1 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। थोड़ा पानी छीट छीट कर मसालों को भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल न छूटने लगे। ये देखिए मसाले से तेल छूटना शुरू हो गए हैं, यानी मसाला एकदम रेडी है। हाई फ्लेम में मसालों को भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब मसाले में भुने हुए आलू को डालेंगे। इसे मसाले से अच्छे से कोट कर लेते हैं। घर के छोटे फंक्शन के लिए ये बहुत बढ़िया रेसिपी है। आप बच्चों के बर्थडे में आप ज़रूर इसे बनाएं, उन्हें पसंद आएगा। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे, इसे चला लेते हैं। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आलू भूनकर एकदम ड्राई भी हो गए हैं। इसके स्वाद को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए लास्ट में इसमें हमें कसूरी मेथी मिलाना है। हथेली से रब कर इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। लास्ट में हरी धनिया से इसे गार्निश करते हैं। तो झटपट बनकर तैयार है जीरा आलू मसाला। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई है। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर करें।